Good morning students today we will discuss lesson 3 common names and special names from your grammar book yesterday we have already discussed about special names and common names so today we will start page number 20 b part fill in the blanks using the special names of places remember to begin with a capital letter स्टूडेंट्स कल हमने स्पेशल नेम्स और कॉमन नेम्स के बारे में पढ़ा था आज हम पेज नंबर ट्वेंटी का बी पार्ट करेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द कैप स्पेशल नेम ऑफ प्लेसेस, रिमेंबर टू बिगन विद अ कैपिटल लेटर मीन्स इस फिलप्स में हम उस प्लेसेस के स्पेशल नेम्स लिखेंगे और फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा द नेम ऑफ माई स्कूल इज आप यहाँ पर अपने स्कूल का नेम लिखेंगे और फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होगा द नेम ऑफ माई सिटी इज़ आप यहाँ पर अपनी सिटी का नेम लिखेंगे द नेम ऑफ माई कंट्री इज़ और यहाँ पर आप अपनी कंट्री का नेम लिखेंगे एनिमल्स हैव स्पेशल नेम्स इसी तरह से एनिमल्स के भी स्पेशल नेम्स होते हैं डॉग कैट लॉइन बर्ड एंड फिश आर एग्ज़ाम्पल ऑफ कॉमन नेम्स डॉग जो है कैट है लॉइन है बर्ड है फिश है ये कॉमन नेम्स होते हैं इनको हम समा तौर पर बुलाते हैं इनको इनके नाम से लेकिन नेम्स ऑफ योर पेट्स आर स्पेशल नेम्स पर आपके जो पेट्स हैं उनके स्पेशल नेम्स होते हैं और हम उनको स्पेशल नेम से बुलाते हैं एग्जांपल मोती इज़ अ स्पेशल नेम फॉर अ पेट डोग मोती जो है वो स्पेशल नेम है एक डॉग का सिल्की इज़ अ स्पेशल नेम फॉर अ पैट कैट और सिल्की जो है स्पेशल नेम है ए कैट का सम मोर स्पेशल नेम्स और भी कुछ स्पेशल नेम्स हैं होली रिपब्लिक डे ईद डेज ऑफ द वीक हैव स्पेशल नेम सच एज मंडे ट्यूजडे एक्सेट्रा इसी तरह से ही डेज़ ऑफ वीक में सप्ताह के दिनों के नाम भी स्पेशल होते हैं जैसे मंडे ट्यूसडे, एक्सेट्रा मंथ्स ऑफ द ईयर हैव स्पेशल नेम्स सच एज जनवरी फरवरी एक्सेट्रा इसी तरह से ही साल के महीनों के नाम भी स्पेशल होते हैं जैसे जनवरी फरवरी फेस्टिवल हैव स्पेशल नेम सच एज होली ईद एक्सेट्रा इसी तरह से हमारे फेस्टिवल जो हैं उनके भी स्पेशल नेम्स होते हैं जैसे होली ईद एक्सेट्रा सम इम्पोर्टेंट डेज हैव स्पेशल नेम्स सच एज द इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे एक्सेट्रा इसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं जिनको हम स्पेशल नेम से पुकारते हैं जैसे इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे सो सी पार्ट कम्प्लीट देंटेंस इज गिवन ब्लो विद द स्पेशल नेम्स रिमेंबर टू बिगन विद अ कैपिटल एटर सी पार्ट में हम स्पेशल नेम्स लिखेंगे और उसका फर्स्ट लेटर क्या है कैपिटल होगा माय बर्थडे कम्स इन द मंथ ऑफ यहाँ पर आप अपने बर्थडे का मंथ लिखेंगे माय फेवरेट डे ऑफ द वीक इज यहाँ पर अपने आप अपने जो आपका फेवरेट, फेवरेट सप्ताह का दिन है वो लिखेंगे क्रिसमस कम्स इन द मंथ ऑफ अब ये क्रिसमिस मंथ क्रिसमिस है वो किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है कब कहाँ कब आता है यहाँ पर लिखेंगे माय फेवरेट फेस्टिवल इस यहाँ पर आप अपने फेवरेट फेस्टिवल का नेम लिखेंगे तो डी सर्कल द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ अ वीक इन द वर्ड ग्रिड गिवन ब्लो बिलो वन हैज़ बीन डन फॉर यू मीन सी पार्ट में आप डेज ऑफ वीक को सर्कल करेंगे और उसको सर्कल करके बताएंगे कि वो डेज ऑफ वीक कहाँ आ रहा है सो इन दिस वे मंडे मंडे इज़ देयर यहाँ पे मंडे आ गया अब इसी तरह से हम नेक्स्ट लेटर्स को जोड़ेंगे थर्सडे इसके साथ ही आ गया ट्यूसडे इसके ऊपर फ्राइडे सैटरडे और वेडनेसडे दीज आर द डेज ऑफ वीक नेक्स्ट पेज ट्वेंटी टू ई पार्ट सर्कल द बॉक्सिस दैट है नेम्स इन द टेबल गीवन बिलो वन हैज़ डन हज़ बीन डन फॉर यू मीन्स ई पार्ट में आप बॉक्स में ये जो बॉक्सेस दिए में जो वर्ड हैं उनको आप सर्कल करेंगे स्पेशल नेम्स को तो हरियाणा इसमें हरियाणा को सर्कल किया है और अब हम यहाँ पे सर्कल करेंगे दिवाली क्योंकि वे स्पेशल नेम है फेस्टिवल का इसी तरह इंडिया गेट इज द स्पेशल नेम डॉग जुलाई फिश यमुना इज़ द स्पेशल नेम ऑफ रिवर अनु अनु इज़ द नेम ऑफ पर्सन स्पेशल नेम ऑफ पर्सन चाइना चाइना इज द कंट्री ऑफ स्पेशल नेम ऑफ कंट्री april april is the special name of month mohit mohit is the special name of person train no mumbai yes mumbai is the city of the special name of city charminar yes charminar is the special name of monument sunday संडे इज द स्पेशल नेम ऑफ वीक लंडन लंडन इज़ द स्पेशल नेम ऑफ कंट्री सो स्टूडेंट्स ई पार्ट सॉरी ए पार्ट रीड द पैसेज गिवन बिलो सर्कल ऑल द स्पेशल नेम्स अब इसमें हमने इस पैसेज में स्पेशल नेम जो हैं उनको सर्कल करना है आपको पता है कि स्पेशल नेम जो होते हैं वो एक पर्सन के थिंग के एनिमल्स के होते हैं और फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होता है सो स्टार्ट यस रवि देन रुबीना अब इसमें से यस परम पब्लिक स्कूल यस अमृतसर पंजाब इंग्लिश Hindi and there is no special name. So, students, in this way you will circle apart special name of person, thing, place, or animal. Thanks, have a nice day.